कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने देखा कि रियल लाइफ ढेर सारे रियल लाइफ चीज़ें शेयर करनी पड़ती, तो आप बताइए कि सबसे पहले कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही मेरे लिए एक्चुअली अच्छा एक्सपीरियंस था. जी के साथ मैं ऑनलाइन पहली बार शूट कर रही हूँ. द होल टीम वॉज वेरी नाइस. और जो सब्जेक्ट मैटर था ना, वो मेरे साथ हादसा हो चुका है लाइफ में. That's why I thought जो मेरे साथ ये हादसा हुआ था, ये यू कैन गूगल इट, इट्स अ ट्रू लाइफ इंसिडेंट. दैट मैन हु मिसबिहेव्ड विद मी, उसको इतनी परेशानी होती थी कि ये क्यों इतनी शॉर्ट स्कर्ट डालती है. ये इंडियन कल्चर ख़राब कर रही है. ऐसे मुझे फ़ोन कर करके और मेरे को लेटर्स भेजता था, फ़ोन कर करके बोलता था, आप तो हमारी भारतीय सभ्यता को समझ नहीं पाई, भारतीय सभ्यता ख़राब कर रही है, आप ऐसी छोटी स्कर्ट्स क्यों पहनती हैं. तो मतलब 21वीं सदी में ये ऐसा ज़माना आ गया है कि औरतें जो हैं, दे आर बीइंग जज्ड इफ़ दे आर वेयरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट. उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हरियाणा से आई हुई लड़की, हमारे गांव से आई हुई लड़की क्यों ऐसे छोटे कपड़े पहन रही, क्यों सीन पे स्क्रीन पे ऐसे सीन्स कर रही है, उसको बड़ी प्रॉब्लम थी. एंड ही टुक इट पर्सनली एंड आई वाज लाइक, हाउ इज़ इट योर बिजनेस, वट एवर आई डू, इट्स अ फ्री कंट्री, हाउ इज़ इट एनी ऑफ योर बिजनेस. एंड सो दैट्स वाई आई थॉट दैट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू रिपोर्ट दिस इंसिडेंट. और इसलिए हमने ये सब्जेक्ट मैटर चूज़ किया. कोई लाइट सब्जेक्ट मैटर भी चूज़ कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए चूज़ किया कि आज का जो माहौल बना हुआ है इंडिया में औरतों को लेकर, लड़कियों को लेकर, और मेरे साथ खुद ऐसा हादसा हो चुका है, इसलिए मुझे लगा कि ये परफेक्ट टाइम है ये स्टोरी इनैक्ट करने के लिए. बट शूटिंग के दौरान टफ था मेरे लिए, क्योंकि वही सेम इमोशंस, वही डायरेक्टर बोल रहा है इसको थप्पड़ मारो, इसको बाल खींचो, गेट मोर वायलेंट विद हर एंड दिस एंड दैट. सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम पीरियड, टफ टू शूट दैट.